Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a numerical problem on Heisenberg uncertainty principle. So let's talk about the questions. The velocity of an electron, जो question है उसमें electron की velocity दी हुई है 200 meter per second, and accuracy of velocity measurement, जो velocity में accuracy है वो 0.01%. So what would be the uncertainty in position of electron? So जो velocity है electron की वो given है 200 meter per second, और accuracy in velocity तो एक तरह से delta v by v into 100, ये कितना है 0.01%. clear? So delta v by v into 100 equal to 0.01%. या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 0.01. ठीक है, तो ये चीज़ है, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे. इस तरीके से तो फाइंड करते हैं पोजीशन में. तो पोजीशन में अगर हमें अनसर्टेंटी पता करना है तो सबसे पहले तो हम मोमेंटम में अनसर्टेंटी अगर पता कर लें, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी रिलेशन होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4π. तो अगर इस रिलेशन को हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, मोमेंटम में कितनी अनसर्टेंटी है, उसके हिसाब से फिर हम पोजीशन में अनसर्टेंटी फाइंड कर सकते हैं. तो हमारा पहला काम होगा कि हम फाइंड करें डेल्टा पी, यानी अनसर्टेंटी इन पोजीशन मोमेंटम, अनसर्टेंटी इन मोमेंटम. सो दिस इज अनसर्टेंटी इन मोमेंटम. तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा v बाई v, ये हो जाएगा आपका एम वी. क्लियर? तो डेल्टा p को हम लिखेंगे तो m इंटू डेल्टा v, और p हो जाएगा सिंपली एम वी, और ये हो जाएगा 100. ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं. तो ये हमें सिंपली मिलेगा डेल्टा v बाई v, डेल्टा है डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, या सिंपल में हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी. सो ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी. क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा P होगा हमारा एम वी, और इसको हम डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं 0.01%, और इसका मतलब ये है 0.01/100. तो ये हो जाएगा सिंपली वही डेल्टा वी अपॉन वी. तो M हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास होगा. हमें इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³¹ इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 0.01/100. इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा तो एक तरह से 18.1 इंटू 10⁻³¹, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.81 इंटू 10⁻³० किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये रहा अनसर्टेंटी इन मोमेंटम, 1.81 इंटू 10⁻³०
क्लियर। तो यहाँ पे टू हंड्रेड यहाँ से टू हो जाएगा। यहाँ पावर में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो टू 33 यहाँ से पॉइंट में फ़र्क पड़ेगा। अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, ये हो जाएगा 0.02। जब हम यहाँ इनटू करेंगे तो ये हमें मिलेगा 34 यहाँ आएगा। सो 33 यहाँ पे दो पावर और कम होंगे तो यहाँ हो जाएगा 33। क्लियर है, ये देख सकते हैं, नहीं तो हम फिर से दिखा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, 31 पहले से है और ये जो है वो क्या है, ये है 10 पावर -2। सिंपली 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा और ये -31 और 10 पावर -2। सो फाइनली ये मिला हमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये हुआ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करके आराम से इसको हम निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स को। तो चलिए फाइंड करते हैं, तो बाकी चीज़ें देख लीजिए कैसे कैसे इसको करना है। जो चीज़ों का एक रेशियो दिया होगा उसको हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, जो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज किए हैं 0.01%। क्लियर, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4π इंटू डेल्टा पी। तो यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4π इंटू डेल्टा पी। एच होता है 6.6 इंटू 10 पावर -34 और ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा पी का मान आया है हमारा 18.1 इंटू 10 पावर -33। क्लियर, तो यहाँ से ये पावर मैनेज होगा, तो 10 पावर -1 ऊपर आएगा और नीचे हो गया आपका 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 6.6। तो ये कैलकुलेशन है, इसको कर सकते हो खुद से भी, ये ऊपर चला जाएगा 10 पावर -1, सिंपली -1 और अपॉन में हो जाएगा 1872 4 इंटू 3.14। तो ये आएगा, इसका कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये चाहे हो तो ज़ीरो यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6.6 अपॉन 72.4 इंटू 31.4। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई करना है और सीधे इसे डिवाइड कर लेना है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं, ये आएगा आपका 5.79 इंटू 10 पावर -3 5.79 × 10⁻³ मीटर। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो हमें फाइंड करना था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लें, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.79 × 10⁻³ मीटर। तो ये रहा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएससी लेवल पे भी और एंट्रेंस वगैरह में भी, तो ऐसे क्वेश्चंस को और ज़्यादा अटेम्प्ट करिए बुक से, और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही,
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।